तो हे गाइस, आज है 15 अगस्त और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और बस मॉल में निकलने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम हो चुका है तकरीबन 1:25 और भाई निकलना पड़ेगा, जाकर सामान सारा लेकर आना है। अभी डॉली ने राखी पे गिफ्ट देने हैं, इसको इधर लगा लेते हैं ऊपर, इसमें स्विच में। डॉली ने राखी के गिफ्ट देने हैं और कुछ राखियाँ लेनी है। काकू ने भी कुछ ड्रेस लेनी है, सब ने ड्रेसेस लेनी है कि उनको कौन सी ड्रेस लेनी है। अब जाएंगे मॉल में, देख कर आएंगे जी। ठीक है काकू, चले भाई, तैयार हो? तो गाइस बस मैं कैप चेंज करता हूँ, ये कैप अच्छी नहीं लग रही ना, ब्लू डालू ना। मॉल में इतना रश है भाई, इतना रश है, यहाँ पे स्कूटी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी और हमने स्कूटी लगा दी यहाँ पर और अब निकल रहे हैं। तो भाई रश देख लो मॉल में, भाई कितना रश है। अभी मॉल एंट्री हो गई है मॉल के अंदर और अब देखते क्या क्या सामान खरीदते क्या खरीदते हैं। पहले अब अंदर घुसे हैं, अभी अभी ये देखो ये बना रखा है पीछे मॉल का। हाँ जी आ गए हो अब? अभी तो आएंगे, अभी आओगे? चलो आओ अंदर। अब डॉली की नज़र इधर उधर जानी शुरू स्टार्ट हो चुकी है, तो जाना तो है ही, वो भी तो देश में जाना है। डॉली बैग भर के पैसे लेकर आई है बहुत सारे, अब कितने पैसे खर्च करेगी? डॉली को टास्क देते हैं 10 मिनट का, 10 मिनट में कितनी शॉपिंग कर सकती है। हाँ जी काकू, ये क्या देख रहे हैं? शॉर्ट्स लेना है, फुल स्लीव्स की टी शर्ट, ये बॉस नहीं किया, फुल स्लीव्स की डालता हूँ, फुल स्लीव्स पे यही पड़े हैं। ये सारे कलर मेरे पास है, सारे हैं कलर, अभी ये ग्रे मेरे को पसंद ये वाला कलर नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे को नहीं अच्छा। मैं सोचा शायद बाद में बहुत से एकदम जल्दी आ गए थे, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था और बस यहाँ पे सामान देख के आ गए हैं। तीन रखना उसको ऑली सामान देख रही है यहाँ से और देखते और क्या क्या शॉपिंग करते हैं भैया। मोबाइल से मार्केट आ गए भाई, अब मोबाइल कवर देख लो यहाँ पे 15 ले दूँ, क्या करिए पहले कवर ले लूँ फिर मोबाइल ले लूँ? पहले कवर पसंद कर ले, नहीं 16 दिलवा दूंगा ना भैया। 16 का कवर आ गया? आ रहा है 16 का? 16 का भी कवर है, आईफोन 4 अभी 15 मेरा 16 आ रहा है। कलर पिंक है और कौन कौन से हैं? बहुत सारे पिंक होगा, ब्लैक होगा। आगे खाने की तैयारी कर दिया वहां से कुछ खा के। रश कितना हो गया था डॉली एकदम? कितने लोग पे लोग फटाफट आ रहे, फटाफट आ रहे। तो गाइस हम ज्यादा ज्यादा 1 घंटा रुके एक जगह, गए बस और कहीं नहीं गए, वापस आ गए हैं क्योंकि तिलकनगर मार्केट में भी सामान लेना था और काम भी करने जाना था। हो गई खिचड़ी? तो गाइस खिचड़ी खाई जा रही है लंच के। देख लो भैया आलम पतंगों का, ये देखो ये छत पे उड़ाई जा रही है सारी जगह। नानी के घर पे आ गया पतंग उड़ाने के लिए और ये देखो सारी पतंगे पतंगे कितनी उड़ रही हैं। अब नई लेकर आ गया है, वो वाली कट गई हमारी पतंग, चल कोई बात नहीं। तो गाइस बारिश वाला मौसम, बादल भाई सब बने हुए हैं और काकू ये लिया हमारी यार, दे दो जल्दी पकड़ आप मान लो। अब काकू उड़ा रहा है ऊपर, भैया एक पतंग हमारी कट चुकी है, एक ये रही पता है। ये भाई ऑस्ट्रेलिया का झंडा, इंग्लैंड का झंडा, किसका झंडा है ये? काकू ने एक पतंग काट दी है भाई, कितना खुश हो रहा है। पतंग उतार क्यों रही है? मेरी हालत खराब हो गया, हमारी 3-4 पतंगे कट चुकी हैं और 3-4 पतंगे हम काट चुके हैं भैया। और मौसम भाई सब सही है बढ़िया सा और छत की इतनी ऊंचाई है प्रॉपर तरीके से सारा, ये देखो पूरा व्यू वो रहा सूरज देवता, वो बादलों के पीछे छुपा हुआ हमारे पीछे ही है ना सूरज देवता, सूरज देवता डूबने वाले हैं और पटाखे भी जल रहे हैं यहाँ पर, बम भी जल रहे हैं। ऐसे पतंग आ रही है हमारी छत पे, हमारे पास आए आएगी आएगी आएगी, आ गई आ गई आ गई है। तो गाइस ये लू हमारे पास आ गई वाली पतंग, देखा वाह भाई वाह। ये देखिए पतंगे था, एक पतंग तो टूट ही गई है, देख पतंगे करने डालते ही ये वाली, ये पतंग तो फट ही गई है, कितनी सारी पतंगे फट गई हैं हमारी है। हाँ डॉली का पतंग फटी, हवा आ चल ही नहीं रही है। मैडम भी आ गई है पतंग उड़ाने के लिए, उड़ाओ पतंग ये ले उड़ा है। इशू भी आ गया, आरिदम भी आ गया पतंग उड़ाने, तो
जा टाइम हो गया डॉली, टी टाइम हो गया भाई, आ जा। हमारी बहू रानी लेकर आ गई है, आ जा चाय। तो गाइस पतंग के साथ भाई चाय भी पीने का मजा अलग है। तेरे भी फेवरेट बिस्कुट परी देख ले, बुई के भी फेवरेट बिस्कुट ले आई है मम्मी, और फूफा के भी ले आई है। मेरा गुड्डे है और मम्मी का 50-50 है। हवा नहीं चल रही पतंग इसलिए गाइस 50-50 चाय। अब गाइस तो गाइस हवा चल नहीं रही है भाई, पतंग कबूतर देखो कितने सारे हैं, ये देखो पतंग दिखे ना, दिखे कबूतर नजर आ रहे। अभी पटाखा बजा ना जोर से, बम बजा दो, कबूतर ही कबूतर हो रखे हैं ऊपर। हवाएं चेंज हो गई, हवाएं आंखी हो गई सारी। चलो आप उड़ाना चालू करें। मैचिंग के साथ जो कैंडल है वो उड़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी सारी पतंगे कोई भी नहीं उठ रही है, हवा बिल्कुल कम हो गई, सारे जो बैठे हुए है ना चली गई। हाँ अब उड़ा के देखते हैं, इसके साथ देखते हैं उड़ा के क्या होता है क्या नहीं। बैलून को उड़ाने की तैयारी की जा रही है। जल गया बैलून, उड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से। ऊपर करो, जल गया। हाँ ये देख नीचे से जल गया, जल गया। रख दे नीचे रख दे डॉली। लोटपोट हो गया हमारा, ये कैंडल जल चुका है भैया, पता नहीं उड़ेगा नहीं उड़ेगा डॉली, कुछ पता नहीं। अब वो गैस भरेगी ना, पूरा साइड से जल गया ना। बैलून फूल तो गया भैया, उड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो डॉली जा रहा है ऊपर, ये देख हल्का हल्का से ट्राई। इसको उठाइयो, इसकी मुंडी उठाइयो, हल्का हल्का हल्का। हाँ उठा उठा हल्का। हाँ हाँ छोड़ दिया। हाँ छोड़ दे छोड़ दे, इस पर हल्का सा। रहने 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 रहने, अपने आप जाएगा, अपने आप जाएगा वो नीचे। भैया नहीं उड़ेगा, ये वाला क्रैश हो गया है। एक और बड़ा से पहले क्रैश हो गया है, विमान क्रैश हो गया हमारा, क्रैश हो गया पर ये चले गया। तो भाई चले गया ऊपर हमारा। डॉली कितनी खुश हो गई है, खुशी हो गई है। फाइनली हमारा बैलून कैंडल ऊपर जा चुके हैं भैया, सफलता मिल गई है। हाँ, बिल्कुल मिल गई। फाइनली ये तिरंगे झंडे वाली पतंग उड़ा रहे हैं लास्ट, क्योंकि पतंगे उड़ नहीं रही, हवा चल नहीं रही है, ठीक है ना। लास्ट उड़ाते फिर चलते हैं। देख रहे पतंग उड़ ही नहीं रही, उससे भी नहीं उड़ रही है, हवा ही नहीं है। ये देख खाली हो रखा है बिल्कुल मैदान सारा। हाँ ये भी नीचे उड़ रही है पतंगे, देख किसी की इतनी ऊपर उड़ नहीं रही पतंगे, है ही नहीं। इसकी भी होता है आग लग गई है लाल टैन में, ये देख, ये देख आग लग गई है, ये पूरे उसमें आग नहीं, ये देखना पूरे उसमें आग लग गई है, ये देखो। हाँ ये गिर जाएगा, देखिए पूरे प्रॉपर आग लग गई है, ये देखो। अगर बारिश का मौसम हो गया, लोग बम भी जला रहे हैं। बारिश आ जाए तो देख मौसम, देख बादल, देख कैसे चिड़िया भी अपने घर जाने लग गई है। चले जी हम भी अपने घर, एक रील बनानी है बच्चों के साथ। चलो भी बच्चों आओ, चलो 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 चलो, बुई के साथ लग जाओ फटाफट। बुई जा बेटे, क्या उड़ना खत्म हो गई है। अब लाल टैन उड़ रहे हैं सारे, सब लाल टैन हो रहे, लाल टैन लाल टैन। हम भी दूसरी कोशिश, हम भी डॉली कोशिश करते हैं दूसरा उड़ाने की, पकड़ के देख इसको सही तरीके से उड़ जाएगा ना ये। डॉली कह रही उड़ जा काले का। वहाँ डॉली बम उड़ रहे, बम बज रहे सब, सबसे ज्यादा तो बम ही बज रहे हैं, उड़ रहे चीख डबाक डम डम। ये नहीं उड़ने वाला भाई, ढीठ की औलाद है ये, ना उड़ता। हवा खत्म ही हो, क्रैश हो चुका है। रहने का आपको क्रैश हो गया, रहने दे। परो के घर, परो के घर। हाँ जी डॉली आ जा भैया, आ जा आ जाओ। कहाँ गई बुई, कहाँ गई? अरे लाइट भी जलती है वहाँ यार। मैंने कहा ये सही सेटिंग हो गई ना। बस गाइस कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं, पीते हैं। नीचे भाभी ने बताई चाय बना के रखी हुई है, पहले ऊपर ठंडा नीचे गरम, बस ऐसे ही मजे ही चलते रहेंगे। अब देखते फिर जाते हैं मंदिर, फटाफट बारिश बहुत तेज आने वाली है, भयंकर वाला सीन हो गया बाहर बाहर का। चलो ये निकलो, निकाको निकलो फटाफट, आओ जल्दी आओ। हो गई कैसे हो, बढ़िया ठीक हो? मंदिर आ गए थे, मैंने मत्था टेक लिया, डॉली और काकू मत्था टेक रहे हैं, और बस बारिश वाला मौसम है, यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे फटाफट। अभी पेड़ों पर भी पतंग लटकी हुई है, और मौसम देखो बाहर का, बादल का, कितने बादल हो रखे हैं। गाइस डिनर हमारा हो चुका है, और मंदिर से हम आ चुके हैं,
बस ब्लॉग का करने लगे हैं एंड, और आज बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। डॉली हमने ब्लॉग इसलिए बड़ा नहीं बनाया कि डॉली कह रही है सारी चीज़ें दिखाना मत तो भैया, क्योंकि कुछ सरप्राइज भी रहने दो, क्योंकि ब्लॉग सारे सब घर वाले देखते हैं। डॉली कहती है उनको पता लगेगा किसके लिए क्या गिफ्ट लिया, हमने किसके लिए क्या गिफ्ट लिया। इसलिए मॉल में थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, तिलक नगर में गए तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, राखी लिए हैं, सारी परचेजिंग हमारी हो चुकी है। क्या रह गया, मिठाई रह गई है बस, वो सारी चीजें हम फाइनली ले चुके हैं। जिस दिन एक दिन पहले मिठाई ले लेंगे ना, हाँ जिस दिन जाएंगे ना उस दिन। बाकी गाइस राखी की सारी शॉपिंग हो गई है, और एक काकू को टी शर्ट देखा था, काकू को बहुत बढ़िया टी शर्ट लेकर आया है, नियॉन कलर की है, और जब डालेगा तब दिखाएगा आपको। वो लेकर आ गया था और कहता पापा इसमें डिस्काउंट लगा है आप ले लो 50%, ठीक है। नहीं, जब, ये फ्रेश है। जब बिलिंग होने लगी पता लगा ये तो फ्रेश है। फिर उसका मुंह उतर गया, कह रहा पापा कोई बात नहीं अब रहने दे। मैंने कहा नहीं यार तो कोई बात नहीं, तो 800,000 रुपए की टी शर्ट लगाई तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो 799 की थी शायद, है ना, 799 की बाहर से दिखा देता हूँ आपको कितने सारे बैग लेकर आए। डॉली कहती दिखा दे मत अंदर का माल, अभी बाद में दिखा देते। मैंने कहा ठीक है भैया इस बार तेरे मान लेते हैं। कह रही आप हर बारी दिखा देते हो फिर डाल में अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। और गाइस बस डिनर हो चुका है और इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। पहले आपको मैं दिखा दूँ कौन ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं। डॉली ने सारे बैग वगैरह सारी चीज़ें इसी में, बैग ने ड्राइंग रूम में बेडरूम में ढूंढा था, डॉली ने ड्राइंग रूम में रखे हुए बैग सारे के सारे, सोफे के नीचे चद्दर के नीचे रख दिए सारे के सारे बैग, मैं वहाँ पर ढूंढ रहा था। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और बैग में वो सारा सामान है, और जब राखी आएगी फिर दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें ली है, क्या क्या चीज़ एक दिन पहले दिखा देंगे कितनी सारी चीज़ें ली है। और बस आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप एक सरप्राइज सरप्राइज सब ने ले लिए कपड़े वगैरह, जिसको जिसको जो जो चाहिए था सब ने आप मोर्चा मार लिया। और रश इतना था जैसे ही हम निकले हैं, हम तकरीबन एक घंटे के बाद निकल गए थे, हमने 2:30 बजे एंट्री की थी, 3:30 4 के करीब जैसे ही निकले हैं डॉली को नींद आ रही है, थक गई आज पतंगे उड़ा के बहुत सारा भैया पतंग भी उड़ाई है, तो उन्हें लालटेन भी उड़ाया कोशिश की उड़ाने की, एक उड़ गया क्रैश हो गया। और जैसे ही मॉल में तो ऐसी लाइन लगी है, लोग ऐसे निकल रहे जैसे जेल से बाहर निकलते ना, भागते आजादी मिलती है। पहले वो तो वाला सुबह ओपन ही नहीं था, 2 बजे ओपन हुआ है मॉल। 2 बजे तो मॉल के बाहर सारे हम भी जाके खड़े होके घर वापस आ गए थे मत्था टेक के। हमने 10 मिनट खड़े हुए हैं पास में, तो हम लोग रुके ही नहीं वहाँ, क्यों धूप में बारिश में खड़े रहते हैं हमारे घर के, इसीलिए हम रुके नहीं। बहुत बहुत ऐसे लगी थी जैसे मंदिर में लाइन लगी हुई है मॉल में, यह वो हाल था। जगह 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 जो बंदे को लगता होगा कि हम दूर से आए वो खड़े हो गए होंगे, जो आसपास से आए वो अपने घर चले गए होंगे। पता है 2 बजे के, 2 बजे आ जाओ, 2 बजे के 5-10 मिनट में आ जाओ, जैसे भी आना है। हम लोग भी तो 2:10-15 पे निकले थे, तो देखा तो ऐसे गाड़ियां हॉल को छोड़ने स्कूटी गाड़ी करने की गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली, स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं मिली, और बहुत मुश्किल से पार्किंग हमें मिली है, और वहाँ पे हमने लगाई है और आए हैं। और डॉली को मैंने कहा भाई 4 बजे के आसपास इतना रश हो जाएगा ना अंदर सांस लेने। अच्छा हम थोड़ी जल्दी चले गए थे क्योंकि तैयार होके बैठी हुई थी, मैंने कपड़े चेंज ही नहीं किए थे, मैंने कहा मैं भाई आगे उसके बाद ही, मतलब इतना टाइम भी ना कुछ खाया है ना पिया, कुछ भी खाया पिया नहीं है, क्योंकि हम लंच वगैरह सब खा के करके गए थे यहाँ से, और सुबह ब्रेड पकौड़े खाए थे, वैसे ही पेट भरा हुआ था भाई, इतना हैवी कुछ बाहर का खाना नहीं था, और फटाफट वहाँ से निकल खाने बर्गर वही टोस्ट ये वो डिस्काउंट। गाइस पता क्या है, डिस्काउंट का आजकल ना मॉल का ये सीन हो गया है, जो पुराना स्टॉक होता है ना उस पे डिस्काउंट करने के लिए वो दिखा देते हैं 10-12-15 पीस, यानी के वैसे तो 99% तकरीबन 70% 80% तो फ्रेश है, 20% वो है जो डिस्काउंट वाले, जो बड़े डिस्काउंट वाले भी बड़े सुंदर तो होते भी नहीं है आर्टिकल, वो है जो बिकते नहीं, इनके सेल नहीं होते वो आर्टिकल, पसंद भी नहीं आती, फ्रेश में पसंद आते फ्रेश में। काकू को तभी तो पसंद आ गया था, वो डिस्काउंट में पड़ा हुआ था, कहता पापा ये डिस्काउंट में, मैं चल तू ले ले, फिर फ्रेश में था, मैं चल तू कोई बात नहीं टेंशन मत ले, कोट सेट उठा के लेके जा आ रहा था, मैंने कहा अभी एक जोड़ा पड़ा हो पहले वो पहन ले, फिर बाद में लेंगे। इसका एक कोट सेट है, इसको मैंने बताया नहीं हुआ, मैंने परचेज करके रखा हुआ है राखी के लिए, अब देखो क्या क्या डालेगा क्या नहीं डालेगा। तो गाइस बस वो डालेगा या तो वो टी शर्ट वगैरह लेके आया वो डालेगा, जींस वगैरह। तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और
आज दो तीन बारी कॉल आया मेरे पास भाई, शाम को तकरीबन 6 बजे दुकान से कस्टमर आए हुए थे, मैंने मना कर दी, मैं कहा भाई आज नहीं आ सकता, अब कल आना जिससे आना है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है पतंग उड़ा के मैं छोड़ कर जाऊँ भाई, और एक ही दिन मिलता है पूरे साल में। हाँ 15 नहीं, मैं नहीं डॉली को मना करती थी, मैं 1.5-2 घंटे परेशान मत करियो बिल्कुल भी, पतंग उड़ाने के ये भी मेरे साथ। मैं तो गई नहीं थी, मैं बाद में गई थी, मैं कहा आप जाओ मैं बाद में आऊंगी फिर, क्योंकि मुझे भी अपना काम कुम करना था। तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।